हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया जिस दिन हमें लॉफ्ट को पूरा सेट करेंगे। ये जो पूरी शीट है ना, ये ऊपर भी लगाएंगे और अंदर भी काफ़ी सारा काम है जो आपको पूरी वीडियो में दिखेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करें। सो दोस्तों, ये जो है इनको सबको जाल में डालना है, ठीक है, इस जाल के अंदर। चलिए डालते हैं फटाफट। तो दोस्तों, इनको यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है काम अब चालू हो जाएगा। और आज जो है ये शीट भी लग जाएगी और अंदर का भी काम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जाल जो है हमें निकलवाना है, ठीक है। ये जाल निकाल के और भैया लगाएंगे ये वाला गेट लगाएंगे। गेट क्यों लगाएंगे वो आगे आगे आपको बताएंगे दोस्तों। पहले ये जो पतवास लगा रखी है काट रहे हैं, ये निकालना है जाल। मैंने कहा जब काम हो ही रहा तो अच्छे से हो जाए। सो दोस्तों, भैया से मैंने ना ये लगवाया तो भैया ने ना हमारी कुंडी ये वाली लगा दी, ये वाली। और अब इस वाली में ना जो अंदर है जहाँ पे कुंडी की थी, जो इतनी यहाँ देखो इतनी बढ़िया कुंडी लगाई है। और ये भैया कह रहे हैं ये मैं ही लगा कर गया था, हैं? यार कुंडी लगा दो यार, एक कुंडी तो लगा दो। है रिजवान भाई, दोस्तों जो वहां से जाली निकली थी ना अंदर से, वो इसी इसमें फिट कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा मच्छर वच्छर उधर से ज्यादा ना आए। वैसे मच्छर क्या, मच्छर तो आ ही जाएंगे हर जगह से ही। बाकी इस तरीके से यहाँ लगाएंगे भी, देखते हैं आपको दिखाते हैं। तो दिक्कत ये हुई कि जो हमारे भैया आए थे, रिजवान भाई की वेल्डिंग मशीन जो है वो चल नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं घर से मतलब दुकान से वापस लेकर आता हूँ और इनको अभी हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। धूप में करारे भी हो रहे हैं, धूप भी निकली थी। और ये हमारे रिजवान भाई जा रहे हैं वापस, देखिए वेल्डिंग मशीन लेके। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई कोई और वजह से बात है, देखो वेल्डिंग मशीन लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ये देखो पन्नी की ऐसी तैसी, मेरे किसी काम की नहीं। अब ये लगाएंगे शीट और इस गेट को ना हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे है शाफट, ये शाफट है बेसिकली। आप पूरी देखो तो इसके नीचे वॉशरूम और क्या नाम है बाथरूम वगैरह है। तो होता क्या था कि जब नीचे कभी उतर के हमें कुछ सामान वामान नल के पल के कुछ पाइप वाइप फट गया कुछ करना है तो वो हो नहीं पाता था, शाफट साफ नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से ये मुझे गेट लगाना पड़ा। और जो भाई हमारे घर वाले सब हैं वो कह रहे थे भाई ये तुम्हारी तो कबूतरबाजी चल रही है, मगर ये तो थोड़ी तो सही कराओ। तो उन्होंने तो भाई ऐसा कुछ कहा नहीं था, मगर मैंने अपनी ही समझदारी से मैंने सोचा कि यार ये करवा लेना चाहिए कि भाई किसी को कोई दिक्कत ना हो सिर्फ हमारी कबूतरबाजी से, ठीक है। तो इसलिए हमने ये काम शुरू करवा दिया था। और अब ये जो पतवासे हैं ना भाई, ये पतवासों का भी कमेंट में ज़रूर बताना, क्या मैं लकड़ी वाली लगवा लूँ या फिर अब ये मैं सोच रहा हूँ कि अब ये हट गई हैं तो हटा ही देंगे, यहाँ पर लकड़ी का लगाएंगे, बढ़िया से एक सेटअप बनाएंगे। जब इतना अच्छा कर दिया तो मिनी 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 पिजन लॉफ्ट को ही इतना बढ़िया कर देंगे। और इस लॉफ्ट का भी हम कोई नाम रख के यहाँ पे चिपकाएंगे। और यहाँ पे जो है हम वो भी करने वाले हैं दोस्तों, क्या नाम है, ट्रैप डोर भी बनवाने वाले हैं। यहाँ नीचे बनवाएंगे, छोटा सा बनवाएंगे बस, जिसमें हमारे 2-4-5 कबूतर घुस जाए। तो इस तरह का कुछ है। बारिश भी शुरू हो गई है और भाई का सामान पड़ा है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ बिजली का मैं जो सामान थे वो मैंने वहाँ अंदर रख दिया है। कबूतरों को भी अंदर रखते हैं वरना भीगेंगे, अभी इतना ज़्यादा नहलाना है भी नहीं इनको, है ना, तो अंदर रख। सो दोस्तों, 1.5 घंटे बाद जो है हमारे रिजवान भाई वापस आ गए और मशीन लेकर आए रेड कलर की। तो काम वापस चालू हो गया, मगर इतनी धूप निकली हुई थी तब तक तो आए नहीं। और अब जो है धूप वापस चली गई, बारिश का मौसम है तो वापस आ गए हैं। मगर देखो कुछ ना कुछ काम करके फटाफट कर ही देंगे जुगाड़ पानी, क्यों रिजवान भाई। ये देखिए दोस्तों, तो काम चालू हो गया, जैसे जैसे चालू होता जाएगा आपको दिखाते रहे। तो दोस्तों, एक कुंडी लग रही है अब, और जैसे कि आपको बताया था रिजवान भाई ने, कुंडी लगा कुंडा लगा लिया कुंडा, इस पे काम चल रहा है बस। और मैं अभी नीचे चला गया था खाना खाने,
और इनको वापस से बाहर निकाल दिया है। अब आपको शॉक कराते हैं। यही है बस अपने फौजी, यही है बस जो भी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है अपने आगे जाके ब्रीडिंग करेंगे। तो बारिश का मौसम भी दोस्तों होने ही वाला है। तो दोस्तों अब जो है अब बना रहे हैं ट्रैप डोर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्रैप डोर बनेगा ना इस गेट के यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आप बताना कि ये सही बनवाया है या नहीं। बाकी मैंने काफ़ी सोच समझ के बनवाया, ऐसे नहीं बस बना दिया कहीं भी। यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल सही रहेगा, और कैसे बनेगा वो भी आपको अभी हम दिखाते रहेंगे। वीडियो बने रहो, वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। रिजवान भाई जो है बना रहे हैं तगड़ी तरीके से यार, देखो चेहरे पर स्माइल आज देखिए। तो ये देखो दोस्तों जैसे भी होता आपको दिखाते रहेंगे अपडेट। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इसमें मुझे पेंट मारना चाहिए था, मगर आलस और बस क्या कहें, आलस के वजह से नहीं कर पाए इतना, मगर अब पेंट करेंगे। और ये चल रहा है ट्रैप डोर का गेट बन रहा है, छोटा सा ही बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो दोस्तों ये फ्रेम बना है अभी, जो गेट बना है छोटा वाला, और ये यहाँ पे देखो आप यहाँ से कटेगी जाली, जाली काट के लगाते हैं। मत ला देना कि गेट ही हिला दो पूरा मेरा। तो दोस्तों ये इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रैप डोर का बना दिया है, ठीक है, और ये स्टिक्स लगा दिए हैं, अभी ये लगाएंगे और पूरा काम। अभी दोस्तों कब्जे लग रहे हैं, कब्जे जो लग। दोस्तों असली काम चल रहा है अब, शीट लगाने का, यहाँ पे लगेगी शीट, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है, ट्रैप डोरी बन चुका है। मगर अभी इसमें मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि ये लगा नहीं है अभी, इसे बाद में करूँगा इसका इंतजाम मैं सही से, ठीक है। मगर ये इस तरह का। तो दोस्तों पन्नी के ऊपर ही लगा दिया है, पन्नी का भी निकालनी होगी तो निकाल भी सकते हैं, और इधर से भी गैप छोड़ दिया है ऐसे, और उधर से भी छोड़ दिया है। सो दोस्तों फाइनली काम ख़त्म हो गया है, अब रिजवान भाई चले जाएँगे और पूरा समेट देंगे। और अब ये देख लो कुछ इस तरह का हो गया है, अभी पूरा आपको दिखाऊंगा, साफ़ सफाई करके अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा, ये देख लो। और अब इसमें नीचे भी ऐसे छतरी लगा दी है, गिरेगा तो यहीं गिर जाएगा पानी, ख़त्म। बताना कमेंट में।